दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। विवादित जमीन पर प्रशासन के द्वारा कब्जा दिलाया गया था, लेकिन पुलिस से साठ गांठ कर कुछ सरंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसके विरोध में समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला ने उक्त स्थल पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। दूसरे दिन मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की बात कही, यहां तक कि FIR दर्ज भी कर ली, जिसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है। समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला ने बताया कि गडरिया टोल प्लाजा के पास भानु प्रताप सिंह एवं मेरे भाई बुद्धसेन पटेल की जमीन पर अवैध ढंग से अनिल सिंह भदौरिया, अरुण प्रताप सिंह, भोलानाथ पटेल, रामनिवास पटेल, महेंद्र पटेल व अन्य द्वारा कब्जा कर दिया गया था, जिसका प्रकरण तहसील न्यायालय में दायर था। तहसील न्यायालय से आदेश दिनांक के 15 दिवस के अंदर कब्जा हटाने का आदेश दिया गया था तथा कलेक्टर रीवा, SDM एवं तहसीलदार को शीघ्र अवैध कब्जा हटाकर मूल भूमि स्वामी भानु प्रताप सिंह एवं भाई बुद्धसेन पटेल को कब्जा दिलाने पत्र लिखा था। इसके बाद नायब तहसीलदार यतीन शुक्ला एवं सहायक उप निरीक्षक सिटी कोतवाली सोनी तथा राजस्व अमले के अधिकारियों की उपस्थिति पर कब्जा दिला दिया गया था, जिस पर भानु प्रताप सिंह एवं बुद्धसेन पटेल ने अपनी बाउंड्री वाल एवं एक कमरे का निर्माण करा लिया, जिसको दिनांक 18 मई को आरोपी अनिल सिंह भदौरिया व 50 की संख्या में गुंडों ने गेट तोड़कर दीवार बना दिया था तथा बना बनाया कमरा भी गिराने की फिराक में थे। उस समय मेरे भाई बुद्धसेन पटेल अन्य कार्य से शहडोल गए हुए थे। उन्होंने जानकारी होने पर 100 डायल को सूचना भी दी, लेकिन वह भी दबाव के चलते मौके पर नहीं पहुंची। सिविल कोर्ट से मामले का स्टे भी है और यह स्टे है कि कोई भी पार्टी जहां है वहीं रहेगी, एक दूसरे के एरिया में कोई निर्माण नहीं करेगी। इसके बाद FIR न होने पर विश्वनाथ पटेल चोटीवाला अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए थे। थाना प्रभारी कोतवाली रात्रि मौके पर पहुंचे और गेट खुलवाने की कार्यवाही कर FIR का आश्वासन दिया। मामले में सभी आरोपी गण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 147, 427, 447 की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है व अन्य मांगे भी पूरी कर दी गई हैं, जिस पर चोटीवाला ने कोतवाली के उपनिरीक्षक सौरभ सोनी की उपस्थिति पर पीड़ित पक्ष के बयान उपरांत अपना धरना आंदोलन समाप्त किया तथा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया है। कल से चल रहे हमारे धरने में तमाम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हमारे मामले को गंभीरता से लेते हुए आज जिन मामले को लेकर के हम अपने 3 मुद्दों को लेकर के अड़े हुए थे, तो पुलिस प्रशासन ने कल ही शाम को आकर के और हमारी जो बाउंड्री में गेट लगाया गया था, गेट को बंद कर दिया गया था। हमारी बात की गई थी दिया और प्रताप सिंह, भोलानाथ, महेंद्र पटेल, रामनिवास द्वारा उन लोगों द्वारा जो हमारी बाउंड्री वॉल तोड़ी गई है, पुलिस प्रशासन ने आकर के हमारे बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया, हमारे गेट को जो बंद कर दिया गया था उसको खुलवा दिए और सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गंभीरता से हमारे मामले को देखते हुए और FIR दर्ज करके और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है और आज आकर के कल भी आकर के और धरना स्थल पर ही हमारा कथन लिया गया।